સુરતના કિમમાં ટ્રેન ઉથલાવવાના નિષ્ફળ પ્રયાસ મામલે મોટો ખુલાસો થયો છે. જિલ્લા પોલીસે ત્રણ આરોપી સુભાષ પોદાર, મનીષ મિસ્ત્રી અને શુભમ જેસવાલની ધરપકડ કરી છે. આ ત્રણ આરોપીઓ પૈકી બે આરોપીઓને રેલવેના કર્મચારીઓ છે. આ કર્મચારીઓએ એવોર્ડ અને પ્રમોશન માટે ષડયંત્ર રચ્યું હતું. બે ફિશ પ્લેટ અને 71 પેડ લોક ખોલી તેઓએ પોતે જ રેલવે વિભાગમાં જાણ કરી હતી. તો આ આરોપી પાસેથી ત્રણ મોબાઈલ મળી આવ્યા હતા, જેમાં તેઓએ આ ઘટનાને લઈને વિડીયો શૂટિંગ અને ફોટો પણ કેપ્ચર કર્યા હતા. पुलिस ने इंटेंस पूछपरछ करके सुभाष, मनीष और शुभम तीनों ने कन्फेस किया कि प्रसिद्धि के लिए और इनाम के लिए तथा जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है वो अभी बंद होने वाली है, तो वो थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग ज्यादा चले ताकि इनको डे का ऑफ भी मिल पाए. इन दो मोटिव के चलते इन्होंने ही खुद ये पैडलॉक और ये फिश प्लेट निकाला और फिर वापस लगाने के लिए 5:20 के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया था. और इनके साथ और कोई इसमें जुड़ा हुआ है नहीं, उसकी भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है. और घटना से जुड़े हुए और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हुए और भी जो जो सारे एंगल हैं, उन सब पे भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. इन तीनों को अरेस्ट करके पुलिस रिमांड लेके पूरा घटना का रिकंस्ट्रक्शन करके आगे की कार्यवाही करेगी.